इंजीनियर मोहम्मद राशिद रजा द्वारा अग्रिम चुनाव को लेकर किया जनसंवाद। आज चटांगी हाट में इंजीनियर मोहम्मद राशिद रजा के आह्वान पर जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर भाग लिया और इंजीनियर मोहम्मद राशिद रजा को समर्थन तथा अपना बेटा एवं भाई का सम्मान देते हुए कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा काम जो पिछले 2018 से हुआ वह सराहनीय है, हम अवश्य ही इस बार में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। 22 से बाल किशोर की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। खाली है हमारे जो इस पंचायत के जो 22 प्रखंड के जो लास्ट छोड़ है, इस पंचायत को जो बदहाली है, आप जब डंडा से जब ये रोड चटांगी की ओर आएगा तो आपको बदहाली देखना शुरू हो जाता है। आप यहाँ से डंडा से आप कुड़ों तक जाइएगा तो आपको खुद लगेगा जो क्या हम मेरा लाचार स्थिति। आप रोते हैं, चाय का दुकान में बैठ के बातें करते हैं, आपका दुख सुख आपका आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं है। हम जी बताइए सर, जो आपका आज जो कार्यक्रम रहा, इसका विशेष उद्देश्य क्या था? 2020 में आने वाला विधानसभा चुनाव होना है, इसके लिए मैं जनता के लिए काम किया, तो अब जनता से सुझाव मुझे चाहिए था। जो इलेक्शन अगर लड़ना है तो आपको लड़ना है और इस बार जनता का जीत करना है, इस बार जनता को जीतना है। और सर ये आपका चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? चुनाव का खास मुद्दा रहेगा जो एक युवाओं के लिए क्रिकेट फील्ड, किसानों के लिए मंडी का ये प्रावधान रहेगा और एक ब्लॉक से 22 ब्लॉक से कदवा ब्लॉक को जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे और 22 अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल लेवल हॉस्पिटल, जो लोगों को सदर अस्पताल नहीं जाना पड़े, उसका स्थापना का ये मुद्दा रहेगा। और सर आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अभी हम निर्दलीय हैं, जनता निर्दलीय है, इस बार जनता जो चाहेगी, अगर टिकट लेना होगा तो जनता टिकट लेगी। इस बार चुनाव जनता को लड़ना है, मैं जनता पे छोड़ रहा हूँ इसका। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम इंजीनियर राशिद रजा हुआ, पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड के अंतर